ओम शांति। हमें बाबा को इस संसार में प्रत्यक्ष करना है और अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा अपने परिवार का, अपने संबंधियों का, अपने समाज का और अपनी संपूर्ण वंशावली का कल्याण भी करना है। हम सब रोज सुनते आते हैं कि हमारी स्थिति पर ही सारे संसार की स्थिति निर्भर करती है, सभी धर्मों की, धर्म पिताओं की, धर्म के नेताओं की स्थिति निर्भर करती है। तो हमें बहुत ध्यान देना है अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर। कुछ हैं हमारी साधनाएं, जैसे योगयुक्त होना हमारी साधना है, आत्मिक दृष्टि रखना हमारी बहुत श्रेष्ठ साधना है, अशरीरी होना भी हमारी साधना है, पवित्रता हमारी सबसे बड़ी साधना है। परंतु इन सब साधनाओं के उपरांत हमारी स्थिति का निर्माण होता है। हमें अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान देना है। श्रेष्ठ स्थिति माना हमारा मन कभी भी विचलित न हो, हम कभी परेशान न हो जाएं, हम तनाव में न आ जाएं, हमारा आकर्षण संसार की ओर न हो जाए, हम बिल्कुल शांत खुशी में एक रस शांत चित्त साक्षी भाव रहें, ये श्रेष्ठ स्थिति है। संसार के लोग जब हमें देखते हैं कि ये तो जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं, 10 साल हो गए इन्हें ज्ञान में चलते हुए, 20 साल हो गए, लेकिन ये वैसे के वैसे ही हैं, तो वो जरूर सोचते हैं कि हमें भी वहाँ जाकर कुछ नहीं मिलेगा और ये एक तरह से ऐसी आत्माओं के द्वारा होने वाली डिसर्विस ही कहलाई जाएगी। और जिन आत्माओं की स्थिति को देखकर सभी बाबा के समीप आते हैं, जिनकी स्थिति को देखकर सभी का जीवन लाइट हो जाता है, सभी जीवन जीने की कला सीख लेते हैं, ये उनकी चलते फिरते सहज भाव की सेवा हो जाती है। इससे बाबा की प्रत्यक्षता होती है, बाबा का नाम रोशन होता है। तो हम इस बात पर ध्यान दें, केवल ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, केवल ब्रह्मचर्य पालन कर लिया इससे काम नहीं चलेगा, बाकी कुछ भी धारण न किया, बोल वैसे ही रहे, क्रोध वैसा ही रहा, अहंकार वैसा ही रहा, चिड़चिड़ापन वैसा ही रहा, संस्कार वैसे ही रहे, दूसरों से व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इससे बाबा का नाम रोशन कदापि नहीं होगा, ना अपने को आत्मसंतोष होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे तो हमें ये महसूस अवश्य होगा कि हम तो बहुत पीछे हैं, हमने अभी तक कुछ पाया नहीं है। तो आइए हम श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा सबको सुख दें और बाबा से संपूर्ण सुख प्राप्त करें। अगर संगम युग पर हमने भगवान का बच्चा बनने के बाद ईश्वरीय सुख न पाया, अगर हमने अपने साथियों को प्रेम और सुख न दिया, यदि हम उनको भी संतुष्ट न कर पाए, यदि हम उनका भी ध्यान न रख पाए, तो भला हम अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखेंगे? यदि हमारे साथी ही हमसे परेशान रहते हों तो प्रजा कैसे हमसे संतुष्ट रहेगी? तो जिन्हें महान बनना है, जिन्हें विश्व की सेवा करनी है, जिन्हें संसार में बाबा का नाम रोशन करना है, हर दिल पर बाबा के प्यार का झंडा लहराना है, उन्हें अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल यों ही ज्ञान में चल रहे हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम चलें नहीं, लेकिन उन सब बातों पर चलें जो बाबा हमें कहते हैं। तो आइए आज सारा दिन हम अपने अपने परिवारों में, अपने कर्म क्षेत्र पर साक्षात्कार मुहूर्त बन कर रहें। मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ, और मेरा सभी को साक्षात्कार हो रहा है। मेरा वरदानी हाथ ऊपर है, सबको मुझसे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, किसी को भी बद्दुआएं नहीं। अपने इस साक्षात्कार मूर्त स्वरूप का सारा दिन अभ्यास करेंगे, याद रखेंगे, जो साक्षी स्थिति में स्थित रहते हैं वही साक्षात्कार मूर्त बनते हैं।
तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। मैं इष्ट देव देवी हूँ, मैं पूजनीय हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। और सूक्ष्म लोक में जाएंगे, बाबा को सामने देखेंगे और महसूस करेंगे बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ये अभ्यास बार बार करके आज के दिन को सफल करेंगे। ओम शांति।